असलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं बेबी अजीम आज आपके लिए लेकर आई हूँ आइसक्रीम को मज़ेदार बनाने का नहायत ही आसान तरीका। आप कोई सा भी सादा फ्लेवर आइसक्रीम का ले लीजिए, उस पर रूह अफ़ज़ा या आइसक्रीम सिरप डालकर साथ ही किशमिश भी डाल दीजिए। अगर आपको ड्राई फ्रूट पसंद है तो थोड़ा सा ड्राई फ्रूट लेकर उसे छोटा छोटा काट कर पैन में हल्का सा ऑयल डालकर भून लीजिए और ठंडा करके इसे आइसक्रीम में मिक्स कर दीजिए। मुख्तलिफ़ किस्म की जेलीज ले लें, उन्हें बनाकर आइसक्रीम पर डाल दीजिए। अगर आपको चॉकलेट पसंद है तो आप चॉकलेट भी डाल सकते हैं। व्यूअर्स, ड्राई फ्रूट वाला आइसक्रीम जो है बाज़ार में थोड़ा सा महंगा आता है, इसलिए आप इसे घर में ही अपनी मर्ज़ी से तैयार कर सकते हैं और साथ ही वेफर बिस्किट के साथ आप इसे नोशीजान कर सकते हैं। व्यूअर्स, इस ईद पर अपने प्यारों के लिए इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर अल्लाह ताला ने आपको बहुत ज़्यादा नवाजा हुआ है तो अपने रहम के रिश्तों के लिए अच्छे अच्छे खाने बनाकर उन्हें भी शरीक किया कीजिए, क्योंकि ये सिला रहमी में पिलाए गए एक घूंट पानी का भी बहुत ज़्यादा अजर है। हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर आप अच्छे अच्छे खाने बनाकर अपनों को खिलाएंगे तो आपके दर्जे अल्लाह ताला मज़ीद बुलंद करेगा। तो व्यूअर्स, मुझे बताइएगा कि आपने ट्राई किया कि नहीं, आपको पसंद आया कि नहीं। तो हमें याद रखिएगा, एक नया डिश या एक नया स्वीट डिश के साथ फिर मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।